रहे हैं, जहां पे हमें आगे की कहां पहुंचना है, बोलिए। ठीक है, अब हमें प्रह्लाद चरित में प्रवेश करना है। घड़ी में सिर्फ एक घंटा रह गया और प्रह्लाद चरित बहुत विस्तृत है। सप्तम स्कंद की तरफ हम प्रवेश करते हैं। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण सातवें स्कंद में वासना के तीन प्रकार बताए हैं, असद वासना, सद वासना और मिश्र वासना। ये सब भी मैं, ईश्वर सर्वत्र है, ईश्वर कहीं नहीं है ऐसा नहीं है, ईश्वर सर्वत्र भी है और है भी और नहीं भी है। भावना के क्षेत्र में अद्वैत भाव होना चाहिए। क्रिया में भले ही विषमता हो जाए पर भाव में समता होनी चाहिए। भगवान की कृपा निरंतर बरस रही है ये अनुभव होना चाहिए, चाहे वो वृत्रासुर के चरित्र से मालूम पड़े। ये वृत्रासुर हमारी प्रवृत्ति है, हमारी वृत्ति है, हमारी वृत्तियों को हमको कंट्रोल करना है। हमको बाहर किसी से नहीं लेना है, हमको कोई ठाकुर जी बाहर से आके हमको कुछ देंगे नहीं, हमें ही अपनी वृत्तियों से, हमें ही अपने विचारों से, हमें ही अपनी भावनाओं से प्रभु को भीतर अपने को देखना है। प्रभु कहीं बाहर से नहीं आएंगे कि अभी आप खड़े हो जाएंगे भगवान वहाँ से आ रहे हैं, ऐसा नहीं आएंगे, भगवान भीतर से ही प्रकट होंगे। और कृपा, कई दफ़े हमको प्रतिकूलता में लगता है भगवान की कृपा हमारे पर नहीं है। भगवान, हम क्या करते हैं, अगर प्रतिकूलता हुई तो हम कहते हैं भगवान की कृपा नहीं, अनुकूलता हुई तो भगवान की कृपा है। पर पता नहीं प्रतिकूलता में कौन सी कृपा निहित होती है। एक चोर चोरी करने गया, चोर चोरी करने के लिए गया तो कितना बड़ा पाप करने गया था, राजा के यहाँ कितना मारा जाता, पकड़ा गया, लेकिन वो पकड़ा नहीं गया। वहाँ जाते ही वो लेकर के आ गया, उसका उसका पैर टूट पड़ा और वो चोरी करने नहीं जा सका। उसको लगा, अरे आज की चोरी मेरी रह गई। अब बताइए कृपा है या अकृपा है, चोरी नहीं किया उसने। तो भगवान की कृपा किस रूप में होती है, अभी दो तीन और दृष्टांत सुना देती लेकिन फिर आगे भाग रही हूँ। अग्नि निराकार है, लकड़ी जलती है तो लकड़ी जैसा ही आकार अग्नि का सा आभासित होता है। मैं करता हूँ ऐसी भावना के बिना निष्काम भाव से जो क्रिया की जाए, किसी की भाव मन महात्मा के साथ एकाकार हो जाना चाहिए। राजा ने कहा कि धर्मराज ने नारद जी से प्रार्थना की, प्रह्लाद की कथा विस्तार पूर्वक सुनना चाहता हूं। वे महान भगवत भक्त थे फिर भी हिरण्यकश्यप ने उन्हें क्यों मारना चाहा? दिति, आप सब लोगों को पता है दिति हिरण्यकश्यप और हिरण्याक्ष, कल बताया गया था हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप की माता दिति जो भेद बुद्धि है, उस माता से हिरण्यकश्यप, वो संग्रह वृत्ति थी और ये अभिमान का द्योतक था। हिरण्यकश्यप का जन्म हुआ और मैं और मेरा जो भेद बुद्धि है वही दो रूप में जन्म लेता है। अहंकार का मारना अति कठिन है, सब मर जाता पर अहंकार का मारना अति कठिन है। अहंकार को तो मारने के लिए नरसिंह देवता को आना पड़ता है। अहंकार बहुत इधर उधर से, जो अहंकार क्या करता है, चूहा जैसा रहता है। कुछ ऐसा किया, ऐसा नहीं मैंने ऐसा इसलिए किया, ऐसा नहीं मैंने ऐसा इसलिए किया, जीवन भर जैसे चूहा इधर उधर मारते तो भागता रहता है, ऐसे अहंकार भागता रहता है। अभिमान अंदर रोम रोम में समाया हुआ है। इस अहंकार को मारना हो तो दहली पर ही मार सकते, अंदर नहीं और बाहर नहीं। इस अहंकार को मारने के लिए दहली पर ही मार सकते, वो कौन सी दहली, राम नाम की रूप धरी। ये जिह्वा में न अंदर है न बाहर है, ये जिह्वा की दहली पर अगर ठाकुर जी का नाम रखोगे तो ये अहंकार मरने का स्वभाव बन जाएगा। एक संकल्प के बाद दूसरी वृत्ति का संकल्प आने लग जाता है। इन दो वृत्तियों के संकल्प के बीच में अगर भगवान को याद कर लोगे तो रात और दिन के बीच के संध्या के समय, इसीलिए संध्या बनाई गई है कि रात और दिन जो सुबह और शाम संध्या के समय अवश्य भगवान को याद करना चाहिए, तब अहंकार मर सकेगा।
ये बात मैं कहती हूँ तो आपको लगेगा मेरे तो अहंकार नहीं मरा। एक साधु था मेरी तरह, उसके पास कोई और वो उसका शिष्य गया, बोले हमारे तो कुछ मरता नहीं है। बोले कैसे? बोले उसके बेटे का जन्म हो गया, साधु महात्मा आप ही ठीक करिए। बोले अरे सब संसार मिथ्या है, काय को रोता है, रोना नहीं चाहिए। आने जाने वाली ये चला चली का खेला है, कोई आज गया कोई कल है गया, कोई जावन हार तैयार करा, इसमें रोने की क्या बात है, रो मत, ये सब तो छूटने वाला है। थोड़े दिन के बाद साधु के यहाँ बकरी मर गई। वो साधु वहाँ वो गया उसके पास, कहने लगे तो साधु रो रहा था। बोले साधु महाराज मेरा तो बेटा गया तो आपने ये कहा ये बकरी मर गई। अरे बोले बेटा तेरा था, बकरी मेरी है, ये मैं मेरे खा जो लेकर के हम रोते हैं, ये मैं मेरा हमारा पीछा नहीं छोड़ता। ये अहमता और ममता हमारे सदा विद्यमान रहती है। हिरण्याक्ष की मृत्यु का समाचार सुनकर हिरण्यकश्यपु के कहा मैं अपने भाई के हत्यारे विष्णु से युद्ध करूंगा। हिरण्यकश्यप मंदराचल पर्वत पर गया और वहाँ पर तपस्या करने लगा, वहाँ पे नारायण नारायण जप करता था। ये कथा भागवत में नहीं है परंतु इतर भाग जगह से सुनी हुई है। वो वहाँ से कयाधु नाम की हुई नारायण नारायण पत्नी चाहती कि पति किसी तरह भगवान के रास्ते लग जाए, अच्छी धर्म पत्नी होती है ना, वो चाहती। कयाधु के मन में आता है ये क्यों ऐसी है। तो जब वो तपस्या करने के लिए गया तो कयाधु नारद जी के वहाँ आश्रम में गई और वहीं पर प्रहलाद जी उनके गर्भ में थे और उन्होंने सारी नारद जी की शिक्षा वहीं पर प्रहलाद जी ने ली। और भी अनेक पुत्र थे आह्लाद वगैरह, पर प्रहलाद वहाँ पर सब बात सुन करके और ग्रहण कर रहा था। पर जब हिरण्यकश्यपु बीच में इंद्र ने विघ्न दिया तो बीच में आ गया था। कयाधु कहे कि वो तो भगवान विष्णु का परम शत्रु है, वो तो नाम लेगा नहीं। कयाधु ने पूछा क्या विघ्न आया? बोले कोई तोता पक्षी आकर के बोल रहा था नारायण नारायण। कयाधु ने कहा कि नारायण नारायण नाम ले रहे, क्या कहा मेरे को सुनाई नहीं पड़ा। बोले किसी तरह भगवान नाम मेरे पति के मुख से निकले तो ये तर जाएंगे, ये राक्षस वृत्ति नहीं ले आएंगे। बोले बताया ना नारायण नारायण। ओ थोड़ी देर बोलने के बाद सुना मैं तो भूल गई, किसने कहा? बोले उसने कहा नारायण नारायण, तुमको याद नहीं रहता क्या? कयाधु को आश्चर्य हुआ कि कितनी बार उसने बार बार नारायण नारायण किया। बोले बहुत अच्छा, आप तो बहुत अच्छी तपस्या करते हैं। कालिदास ने लिखा है अगर किसी से कुछ काम कराना तो उसकी प्रशंसा करो। मैं करूं आप सबकी प्रशंसा, आप सब पे बहुत है। किसी से कोई काम कराओ तो प्रशंसा करो, लोभी से कुछ काम कराओ तो उसे द्रव्य दो, और चीनी से भी अधिक मीठी वस्तु क्या है? चीनी से भी अधिक मीठी वस्तु है प्रशंसा, एप्रिशिएशन। कयाधु वहां से चली गई, वापस हो गया। आगे जाकर के उसने देखा कि अब मैं ऐसी जगह ब्रह्मा जी की तपस्या करूंगा। एक पांव पे खड़े होकर के उसने किया और तपस्या करने के बाद ब्रह्मा जी प्रकट हुए। हिरण्यकश्यपु ने कहा कि मुझे मृत्यु के अमरता का वर दीजिए। वो बोले मृत्यु के अमरता का तो वर मिलता नहीं है। तब उसने सोचा स्टाइल से मांग लेते हैं, स्टाइल से मेरी मृत्यु ना होगी। बोले मेरी मृत्यु सुबह ना हो शाम, मेरी मृत्यु दिन में ना हो रात में ना हो, मेरी मृत्यु पुरुष से ना हो किसी जीव से ना हो, मेरी मृत्यु मनुष्य से ना हो देवता से ना हो, मेरी मृत्यु दिन में रात में नहीं, मेरी मृत्यु किसी शस्त्र से ना हो किसी चीज से ना हो। इसी प्रकार आपको सब पता हो, इतनी प्रकार से उसने अपनी मृत्यु ना होने का वरदान मांग लिया। वो सोचा अब मैं अमर हो गया, घर आया जो श्री हरि का नाम लेवे उसी को वापस वहीं से मरवाना शुरू कर दिया, त्राही त्राही हो गया। मुझे तो अमृत का नहीं, इतना शक्तिशाली हो गया कि सभी देव दुखी हो गए, सब लोग दुखी हो गए। शंड और अमरक नाम के उनके प्रहलाद का जन्म। बोलो प्रहलाद जी महाराज। कोई भक्त की भी जय बोलनी चाहिए। प्रहलाद जी जैसे भक्त कभी होने नहीं और कभी होंगे भी नहीं। प्रहलाद जी कोई भक्त नहीं थे, ज्ञानी भक्त थे और प्रेमी भक्त थे और विश्वासी भक्त थे, और इतना विश्वास शायद किसी को नहीं था, इतना विश्वास कि इस खंभ में भी
भगवान है, कितना विश्वास, बहुत ऊंची कोटि का विश्वास था। हम क्या करते हैं, लोगों को तो बहुत समझाते हैं, लेकिन हम, इसमें मैं भी शामिल हूं, अपने मन को नहीं समझाते। अपने मन को समझाएं, कैसे समझाएं कि अरे मन तू हिरण्यकश्यपु जैसा है, जब जगह से गोटी गोटी निकाल लेता है, दिन में नहीं मरूं, रात में मरूं, इधर नहीं जाऊं, अहंकार बट गोटियां खेलता रहता है। देखो मैंने तुमको कहा था ऐसा नहीं होगा, ये अहंकार से मनुष्य इतना ज्यादा परेशान होते हुए भी उसको पालता रहता है। सबसे ज्यादा मनुष्य और परमात्मा में बीच में एक ही भेद है, वो अहंकार, और सबसे ज्यादा दिखाई नहीं पड़ता। मैं आप किसी को बोलो आपको अहंकार, मेरे को तो किस बात का अहंकार होगा जी, क्या बात करते हैं, कुछ अहंकार नहीं। एक आदमी था, वो जाकर के बोला नम्रता से अहंकार मिटता है। तो एक आदमी वहां पे बिरला मातुश्री में सत्संग हो रहा था, तो जूते में जाके बैठ गया, आगे कुर्सी खाली थी पर जूते में जाके बैठ गया। आप आगे बढ़िए, जो वहां के थे लोग उन्होंने कहा आगे बढ़िए, नहीं नहीं मैं तो नम्र हूं, मैं जूते में ही बैठूंगा। ऐसे जूतों में बैठने से थोड़ी अहंकार, वो जूते में बैठने का उन्होंने अहंकार पा लिया कि मैं तो जूते में बैठता हूं, कहीं से अहंकार पीछा नहीं छोड़ता। जूते में बैठा तो अहंकार, आगे बैठा तो अहंकार, बीच में बैठा तो अहंकार, किसी का काम किया तो प्रशंसा का अहंकार, नहीं किया तो अभिमान। क्या करे आदमी, अहंकार किसी से नहीं मरता, उसके लिए जैसे नर और पशु दोनों को मिलके जब नरसिंह भगवान जैसा कोई आवे तब जाके अहंकार मरे। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय। प्रहलाद जी को पड़े हुए प्रहलाद जी का जन्म हुआ और उनको भक्ति का रंग शीघ्र ही लगना पड़ा। एक बार भक्ति का रंग जिसको लग जाता है उसको सांसारिक प्रवृत्ति अपनी ओर नहीं खींच सकती। प्रहलाद जी ने सोचा कि पिताजी मेरे प्राणनाथ श्री हरि से दुश्मनी करते हैं। प्रहलाद जी ने देखा कि वो श्री हरि हरि जब देखे, जब अकेले में हरे शरणम 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 हरे उच्चारण करते थे। इधर कयाधु के कर्म से प्रहलाद का, जो प्रहलाद जी को पिताजी ने गोद में लिया कि अरे ये तो हरि शरणम का शंडामर्क शुक्राचार्य के दो पुत्र थे शंड और अमर्क, उन दोनों को बुलाया और गुरुकुल में उनको साथ में भेज दिया 5 वर्ष की अवस्था में कि इनको जरा दैत्यों की शिक्षा दीजिए। ये हरि शरणम करता रहता है, ये तो मेरे जो शत्रु है उनका नाम ले रहा है। शंडामर्क वैसे तो उनको दैत्यों की राजनीति पढ़ाते थे, लेकिन भगवान प्रहलाद को भगवान से प्रीति थी और भक्ति का रंग एक बार लग गया तो नहीं छूटता है। गुरुजी ने कहा, गुरुजी ने उनको जो जो सिखाया त्यों त्यों वो सारे क्लास के अपने बच्चों को लेकर के जोर जोर से करते थे, जय जय नारायण, जय नारायण नारायण हरि हरि, जय जय नारायण नारायण जय नारायण नारायण हरि हरि, जय जय नारायण नारायण हरि हरि। तेरी लीला सबसे न्यारी न्यारी हरि हरि, तेरी लीला सबसे चारों तरफ बच्चे एक साथ जोर जोर से बोल रहे थे हरि, जय जय नारायण नारायण हरि हरि, जय जय नारायण नारायण जय जय नारायण नारायण हरि हरि, जय जय नारायण नारायण हरि हरि, हरि ओम नमो नारायण।
लेकर आते, शंडा मरक आते गुरुजी, उन्हें राजनीति की शिक्षा देते, पर उनको कोई असर नहीं होता। वो बराबर ये सोचते थे कि राज जी इनकी चिंता नहीं करती। उन्होंने सोचा, देखा बिल्कुल कुछ नहीं करता है, सब सयाना है। उससे प्रभावित होकर पिता उसे जरूर पुरस्कार देंगे। पिता ने बुलाया, इतने दिन में क्या सिखाया? बोले, प्रहलाद ने को पिताजी ने प्यार से गोद में बैठाया, बेटा बताओ तुमने गुरुजी के घर से क्या सीखा? बताओ क्या करते थे? कैसे कन्हैया? तो ई से ईश्वर, उत्तम प्रकरण की बात पूछते तो उन्होंने क्या बताई? हित्वात्मपातम गृहबंध कूपम वनम गतो युद्धरिमाश्रये। अंधियारे कुएं में के समान यह घर ही अपने अतः पतन का मूल कारण है। प्रहलाद बोले, पिताजी अनेक जन्मों से मैं अनुभव कर रहा हूँ कि जीव कई बार स्त्री बन गया, पुरुष बन गया, पशु बन गया, पक्षी बन गया। जीव लौकिक सुख भोग में लीन है, फिर यह अतृप्त है स्वार्थ और कपट के सिवाय। पिताजी इस जगत में और कुछ नहीं है, एक श्री हरि के नाम के सिवाय, एक श्री हरि की सत्ता के सिवाय इस जग में कुछ भी नहीं है। फिर भी ये जीव अविवेकी होकर के पति पत्नी के प्रेम में, पत्नी पति के प्रेम में स्वार्थ और कपट से, प्रेम से नहीं स्वार्थ और कपट से नाता जोड़े रखता है। कितना कपटी है। मुझे एक सन्नारी मिली जो बता रही थी, उसका सास जी ने चेतावनी दी कि तेरी पुत्रियां काफी है, अगर चौथी बार भी उसने पुत्री को जन्म दिया तो तुझे घर से निकाल दूंगी। ये पुत्री और पुत्र का जन्म केवल अपना मिथ्या अहंकार लेकर आता है। पुत्र तो एक कुल का उद्धार करता है, पर पुत्रियां दो कुल के उद्धार करती। कृपया यहां जितने बैठे, मुझे पुत्री बहुत पसंद है। ठाकुर जी के तरफ लगता तो है मनुष्य, लेकिन कब लगता है? जब अपना कुछ मतलब हो। भगवान जब डॉक्टर कह देते हैं कि अब तो दवा नहीं दुआ काम आएगी, अरे पाठ बैठाओ, अरे हे नाथ हे नाथ हे नाथ, फिर अपन प्रार्थना करते हैं, ओ पालनहारे निर्गुण और न्यारे, तुमरे बिन हमारा कौन नहीं। कब? जबकि कुछ अपना हाथ में काम नहीं आता, तब पालनहारे पुकारने लग जाते हैं। और जब मस्त पैकी होता है तो ऑफिस जा रहे हैं, काम काज कर रहे हैं, जब अच्छा आता है तब कोई पालनहारे के पास बैठता नहीं और उसको पुकारते नहीं, क्योंकि हमारे अंदर प्रेम में भी कपट है। मैत्रेयी तो ब्रह्मवादिनी थी, बड़े अच्छे उदाहरण दिए हैं। मैत्रेयी तो ब्रह्मवादिनी थी, उन्होंने पति से पूछा, इस धन संपत्ति से मैं क्या मोक्ष प्राप्त कर सकती हूँ? याज्ञवल्क ने कहा, अरे कोई धन से मोक्ष प्राप्ति करता है क्या? तुम्हें सुख सुविधा मिल जाएगी। जिस धन से मोक्ष प्राप्ति ना हो, मेरे जीवन में सदा का आनंद ना आए, उसको लेकर करूंगी क्या? कितनी आगे की सोच है, कितनी विद्वत्तापूर्ण सोच है, ये भी नारी है। याज्ञवल्क की ऋषि मैत्रेयी, याज्ञवल्क ने कहा, हे मैत्रेयी, अपने स्वयं के हेतु ही घर पुत्र पत्नी आदि प्रिय लगते हैं। वैसे तो प्रिय हम हर एक इंसान को खुद की आत्मा ही लगती है। पति से पत्नी का प्रेम कामना पूर्ति के लिए है। प्रहलाद जी भी ये शिक्षा दे रहे हैं कि ये सब मिथ्या है, ये सब झूठ है, ये सब कपट है। अगर आपको मैं खुश नहीं करूंगी या आपको खुश नहीं करूंगा तो आप भी मुझे छोड़ के चले जाएंगे। प्रहलाद जी ने कहा, पिताजी कितनी बार आप पिता बने, कितनी बार पुत्र बने, पर हमको पता नहीं, हम तो भी उसी में अपना सारा का सारा आसक्ति और ममता लगा देते हैं। प्रहलाद की ऐसी बात सुनकर हिरण्यकश्यप बहुत क्रोधित हो गया। उसने शंडामर्क की को हुलाहना दिया, मेरे बालक को उसने ये कैसा उपदेश दिया, ये कैसी भिक्षा दी। शंडामर्क जी गए, भैया मैंने तो ऐसी शिक्षा नहीं दी, देखो देवगण मुझसे डरते हैं, अतः तुम सूक्ष्म रूप धारण करके विष्णु का प्रचार करते हैं तो उनसे सावधान रहना। शंडामर्क जी, प्रहलाद जी इधर आइए, हमने आपको कब शिक्षा दी है भगवान की, और ये सब शिक्षा कब दी? तो तुमने अपने जाकर भगवान के अपने पिता के समक्ष ये बात क्यों कहा? प्रहलाद जी बोले, गुरु जी जीव न तो कोई कहने से भक्ति करता है और न कोई अपने ईश्वर की ओर गति करता है,
ये तो कोई संत कृपा और सत्संग की भक्ति का रंग नहीं लगता तब तक प्रभु भक्ति के अंदर जय हो जय 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 नारायण नारायण हरि हरि जय जय नारायण नारायण हरि हरि जय जय नारायण प्रभु कृपा संत कृपा और किसी गुरु कृपा से ही भक्ति का रंग लग सकता है और ये तीनों रंग कब चढ़ेंगे जब सत्संग नित्य करेंगे। क्या करूं सत्संग का लेना था सत्संग का एक ले देते हैं। प्रहलाद उसने सोचा बहुत दिन हो गए हिरण्यकश्यपु ने जाकर के प्रहलाद जी को बुलाया और प्रहलाद जी को फिर गोद में बैठा करके पूछा कि कुछ अच्छी बातें अब तो सीखी होगी बेटा मुझे सुनाओ। अब की बार तो ऐसी बात कही कि लो आगे ही बढ़ गए। पिताजी विष्णु भगवान की भक्ति करने के 9 प्रकार हैं। विष्णु भगवान की भक्ति के 9 प्रकार हैं। देखिए हम सब भक्ति बहुत करते हैं लेकिन उसके बारे में ज्ञान नहीं कि कौन सी भक्ति है। भगवान पूरी भागवत में मानस में भी नवदा भक्ति के ऊपर शबरी को भगवान राम ने बताया प्रथम भक्ति संतन कर संगा किंतु श्रीमद् भागवत ने प्रहलाद जी ने यह बताया है। बोले पिताजी विष्णु भक्ति भक्ति 9 प्रकार से होती है। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यात्म निवेदनम। ये 9 भक्ति ये 9 प्रकार की भक्ति होती है। भगवान विष्णु के नाम रूप और गुण प्रभाव आदि का श्रवण कीर्तन अब एक 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 भक्ति अपने अंदर जमाते चलिए। श्रवण कीर्तन स्मरण और चरण सेवा पूजन वंदन दास सखा भाव अपने को समर्पण करना ये नवदा भक्ति तो बताई पर इसका अपन 3 विभाग कर सकते हैं तो अपन समझने में इजी पड़ेगा। भक्ति के प्रधान 2 भेद है एक साधन भक्ति और एक साध्य भक्ति। साधन भक्ति के लिए 3 विभाग करते हैं। पहला है श्रवण कीर्तन स्मरण 3 को एक साइड रख लेते हैं। फिर क्या है पाद सेवनम अर्चनम वंदनम ये 3 को एक साइड रख लेते हैं। फिर तीसरी तरफ दास्यम सख्यम आत्मनिवेदनम। तो पहली भक्ति करने की है साधन भक्ति में ये 3 भक्तियां करने की है कौन सी श्रवण कीर्तन और स्मरण। श्रवण कैसे किया जाता है ये किया जाता है जैसे आपको कहें भाई क्या काम करें हम क्या करें तो करने की भक्ति है। कथा सुने ये करने का काम है। कथा पढ़ें ये पढ़ने का काम है। सत्संग करें ये करने का काम है। भगवान के प्रेमी भक्तों के द्वारा जो भी नाम रूप गुण धाम लीला आदि का रहस्य की कथाओं का प्रेम पूर्वक श्रवण करें। सत्संग का श्रवण ये मूल बीज है भक्ति की तरफ ले जाने का। मैंने आपको आज कहा कि कल कहा याद नहीं सत्संग बराबर करना चाहिए। सत्संग की झाड़ू बिना भक्ति के पंख नहीं बढ़ते। श्रवण के रस से ओत प्रोत होने लगे जब सुनकर कैसे जैसे अभी सुना रहे हैं सुन रहे हैं हम कथा सुन रहे हैं तो मन ओत प्रोत होने लगता है तब क्या होता है तब कीर्तन जय जय नारायण क्योंकि ओतप्रोत हो गया। तो ओतप्रोत होने से श्रवण के बाद से अपना भाव भर गया तब कीर्तन की तरफ जाते हैं। ओम नमो नारायण ओम नमो Yeah.
क्रोध हमारा हृदय हो जाए तब अपने आप रस प्रकट प्रकट के हमारा कीर्तन होगा। और कीर्तन भी कैसा, जैसे आप लोगों को एक एक शब्द में एक एक भगवान के नाम में रस टपकने लगे। देखिए ये पिबत भागवतम रस मालयम पीने का रस है, बार बार मैं कह रही हूँ आप जब बोले ना कीर्तन तो पीते चले जाइएगा। ये प्रहलाद जी की भक्ति नवदा भक्ति आगे मिलेगी नहीं, आज हम सबको यहाँ इस भक्ति में डूबना ही है। कंठावरोध हो जाए, इस रहस्य को चरित्र अवरोध सुनकर के कंठावरोध हो जाए, अश्रुपात हो जाए, हृदय की प्रफुल्लता पैदा हो जाए, ऐसा होना कीर्तन भक्ति का स्वरूप है। कीर्तन ये नहीं कि पीछे खड़े खड़े राधे 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 राधे, क्या राधे राधे, किसका राधे राधे, किधर राधे राधे, समझ ही नहीं पड़ती। और ऐसे राधे अंदर से श्वासों के श्वास के साथ में कीर्तन होता है, तब कीर्तन होता है। कीर्तन करते थे चैतन्य महाप्रभु, कीर्तन भक्ति के आचार्य चैतन्य महाप्रभु, जो एक बार हरि बोल, आप लोग तो बोलते ही नहीं जोर से हरि बोल, मैं कितनी जोर से बोली हरि बोल। ये हरि नाम की महत्ता है चैतन्य महाप्रभु कीर्तन में इतना जो हरे नाम हरे नाम केवलम कलौ नास्ते व गतिर नन्य था। जब कीर्तन होने लगता है और कीर्तन में आनंद आने लगता है, श्रवण कीर्तन के बाद तीसरी सीढ़ी क्या है, स्मरण। प्रभु के नाम रूप लीला गुण धाम का चिंतन करते हुए अमृतमय वाणी के द्वारा बार बार यहां से श्रवण और यहां से कीर्तन, यहां से श्रवण यहां से कीर्तन, दो इंद्रियां आपकी काम में आने लग गई और उसके साथ यहां से हृदय का भाव में क्या होगा, फिर स्मरण। आप रोज जिस जिसका नाम लेंगे उसका अपने आप याद आएगी कि नहीं आएगी। एक का नाम लीजिए बार बार, प्रेमपुरी जाना है प्रेमपुरी जाना है प्रेमपुरी जाना है, तो बोलने की दरकार नहीं होती, प्रेमपुरी आप पहुंच जाएंगे। यस्य स्मरण मात्रेण जन्म संसार वंदनात् विमुच्यते नमस्तस्मै विष्णवे प्रभ विष्णवे। फिर उल्लसित होकर के बुद्धि प्रतिभा मेधा ये अनुभव से नहीं पर कृपा से जब दो करने लग जाए तो कृपा को देखो और उससे स्मरण करो। स्मरण से क्या फायदा होगा सुनिए, ये मैंने किसी संत के मुख से सुनी है। स्मरण, अब इसको तोड़िए, स्मर ना हटा दीजिए, स्मर मतलब काम, तो स्मर हट जाएगा मतलब काम हट जाएगा, काम निकल जाएगा। रण, रण मतलब ये हमारा जो विषय संसार है ये रणी क्षेत्र है, रण क्षेत्र में जीत हो जाएंगे तो स्मर, फिर स्म हट के रण, और फिर क्या, स्म स हटा दीजिए मरण सुधरेगा, स्मरण आधा स हटा दीजिए मरण सुधरेगा, श्री से मरण सुधरेगा। ये स्मरण की व्याख्या है, सुमिरन सो मन लाइए जैसे कीट भिरंग, कबीर बिसारे आपको हो जाए ही रंग। इतना स्मरण हो कि चिंतन करते करते जैसे भृंगी कीट उसमें फंस जाता है, उसी के स्वरूप हो जाता है, उसी के जैसे करने लग जाता है, वैसे इतना भगवान का स्मरण हो कि हमको वो ही वो दिखाई पड़े वो ही वो बोले। अब ये तीन भक्ति है करने की, साधन भक्ति। अब जब किसी का अपन बहुत नाम लेंगे, बहुत उसका रूप देखेंगे, बहुत उसको स्मरण करेंगे, बहुत उसका चिंतन करेंगे, तो अपने को लगेगा अरे जिसका नाम उसके पास तो पहुंचे, थोड़ा सा आदमी सरकता है। यह भाव भक्ति, पहली हुई साधन भक्ति, अब भाव बनने लगता है। अरे कृष्ण का इतने दिन से भाई हमारे घर भी कृष्ण पधरा दो ना भाई, भाई हम भी कृष्ण को पधराएं, इतने दिन से हम कृष्ण का नाम ले रहे हैं, इतने दिन से हम कर रहे हैं, फिर अपने को उनको संबंध बनाने की इच्छा होएगी, उसमें भाव पैदा होएगा कि अब उसको संबंध बनाएं, तब हम क्या करेंगे, तब हम उससे संबंध बनाएंगे। तो भाव भक्ति शुरू होगी कहाँ से, पाद सेवनम से। पाद सेवन के आचार्य हैं श्री भरत जी महाराज, जो व्रज अंकुश ध्वजा आदि जिनके चरण कमलों में, इतने सब चरणों में उनके आश्रय है। भक्त सबसे पहले किसका आश्रय लेता है, चरणों का आश्रय लेता है। जब पाद सेवन से विश्वेश्वर के चरण कमल रूपी जहाज पे बैठ जाता है, सबसे बड़ा चरणों की इतनी महत्व क्यों है बताइए। मैंने कल भी बताया था शायद या परसों बताया था कि चरणों में भक्ति रहती है, और कल भी बताया था कि चरणों में प्रणाम इसलिए कि चरणों में शक्ति रहती है, चरणों में भक्ति रहती है। इसलिए वृंदावन के जो भी भक्त वो कभी ये नहीं कहते कि हम भगवान के सेवक हैं,
पादार विंद चरण रेणु सेवक, उनके चरण रेणु मतलब चरणों की रेणु। तो इसी प्रकार पाद सेवन करने की इच्छा हो तो चरणों की सेवा भक्ति हो, और उसके बाद अर्चन, श्री विष्णु और अर्चनम ये तो प्रकुरवंती नरा भुवि ते यान्ति शाश्वतम विष्णु आनंदमतम। अर्चन भीतर की वृत्तियां, अर्चन का मतलब अपनी सारी वृत्तियां भगवान के चरणों में अर्चित कर दी जाए, हंसना रोना चबचबाना करना करना सब चीज करना। अब कुछ करना नहीं रह जाता, अब क्या हो गया, करना होने में चला गया। फिर वंदन, वंदन की भक्ति आगे हमको आएगी। भगवान के मंदिरों में जाकर या अपने घर में भी अगर चित्रपट हो या कोई ठाकुर जी पधराए हों तो उनके नाम के उनके भगवान के श्रृंगार में, और उसमें अपने आप को श्लोक याद करके बोलने का नहीं, उसके नजदीक जाने का। इसको बोलते उपासना, उप धन आसन, उपासना मतलब सरकना, उपासना नजदीक सरको। तो ये भाव भक्ति वंदन तक नजदीक सरकाने की भक्ति है। तो पहला क्या हुआ, श्रवण कीर्तन और स्मरण, दूसरी तीन क्या हुई, पाद सेवन अर्चन और वंदन, ये हमको ठाकुर जी के संबंध बनाने के नजदीक ले आई। अब देखा भाई नजदीक तो आ गए लेकिन कोई संबंध नहीं जोड़ेंगे ना तो अंदर भाव नहीं पैदा होते। तब क्या हुआ, दास्यम सख्यम आत्म, बहुत सारे संत दास में, हनुमान जी दास के आचार्य, दास से भाव से उधर गए तो अपने भाव बन जाते हैं। मैं भगवान का दास हूँ, दासो हम दास दासो हम, तो दासो हम मतलब मैं भगवान का सेवक हूँ, मैं भगवान का दास हूँ। तो समथिंग अपनी एक पर्सनैलिटी अपना नाम बन गया कि मैं भगवान का दास हूँ, मैं भगवान का भाई हूँ, मैं भगवान का मित्र हूँ, मैं भगवान का ये हूँ। संबंध बनने से स्वामी जी ने कहा, परसों भी मैंने कहा कि मेरा हो जाता है तो उससे प्रीति बढ़ जाती है। तो कोई संबंध अपना बांध लो तो मेरापन मिल जाएगा। तो इसके बाद सख्य दास, अगर मैं भगवान का दास हूँ तो उससे विश्वास बढ़ जाता है कि मैं सेवक सचराचर रूप स्वामी। अब दास बन गया फिर भी सोचते हैं कि इतना दास को क्या, बहुत अंदर जाने की इजाजत नहीं होती, दास है ना बाहर खड़ा होता है। मैंने भी कहा था महाराज जी से एक बार, डोंगरे जी महाराज बोले दास ही का दास सेवा सबसे उत्तम होता है। मैंने कहा मैं दास वास नहीं बनना चाहती। बोले क्यों, बोले उसको बाहर ही खड़ा रहता है, प्यून बाहर ही खड़ा रहता है, टंग टंग घंटी दबाई तो बेचारा अंदर आता है, उसकी मर्जी हो तो नहीं आ सकता। मेरे को तो देखिए अंदर की कोई बताइए, अंदर का कोई संबंध अच्छा लगेगा। तो बोले क्या, मैंने कहा कोई गोपी सखी ऐसा बना दीजिए। तो बोले सीधा आप गोपी सखी पर जाना चाहते हैं, देखिए उसमें बहुत वो है, आप पहले दास बनिए। मैंने कहा नहीं नहीं बाप जी, मेरे को दास वास नहीं बनना, मेरे को तो गोपी सखी। तो सख्य भाव उससे ऊंचा उठता है कि हम मित्र बना लें। अब मित्र बनाए तो भगवान के प्रभाव तत्व रहस्य को समझ करके प्यारे प्रेमी को सुख हो। कल भी मैत्री की मैंने यही बात कही थी कि मैत्री का अर्थ क्या है, जो श्रीमद् भागवत के आधार पर बताया कि मैत्री का अर्थ है कि उस मित्र के सुख पहुंचे, उस मित्र को जिससे हमारा प्रेम हो उसको सुख पहुंचे, तब प्रेम आगे बढ़ता है, नहीं तो मित्रता आगे नहीं बढ़ती है। तो सख्य भाव में सारे के सारे, जैसे सख्य भाव में अर्जुन थे और सारे श्रीदामा थे, वो सब कहते थे कि हमारे लाला को कैसे सुख पहुंचे, हमारे लाला को कैसे सुख पहुंचे, और लाला इस तरीके से रहता है कि मेरे मित्रों को कैसे सुख पहुंचे, तब जाकर के सख्य भाव ऊपर उठता है। हमेशा निरंतर प्रसन्न रहना चाहिए, प्यारे प्रेमी को परम सुख हो, उसमें अपना सख्य प्रेम पूर्ण से बढ़ जाए। उसके बाद आता है आत्मनिवेदन। आत्मनिवेदन की भक्ति तो हम आगे तीन दिनों में सुनते ही रहेंगे। जो आदमी अपना सब कुछ उसको दे दे, उसके पास समर्पण के सिवा कुछ नहीं रहता। जो थोड़ी देर पहले वृत्रासुर में मैंने कहा कि घोड़ा बिक जाता है, उसके बाद उसको दाना पानी की चिंता नहीं रहती है, फिर वो जो करे वो उसे मंजूर होता है। मेरी जो आत्मा उसी को मैंने निवेदन कर दिया, जिनका तत्व रहस्य प्रभाव उसके संपूर्ण अवगुण पाप दुख उसकी सबकी चिंता उसको हो जाती है। मारो तो थापर दारम दार, मारो तो थापर, मैं हूं थारो खेल खिलौनो तू है खेलनहार, मैं हूं थारो खेल खिलौना तू हो खेलनहार, मारो तो थापर।
जब समर्पण की अवस्था आ जाती है, ये आत्मनिवेदन की भक्ति सर्वोच्च, और वो सर्वोच्च भक्ति श्री प्रहलाद जी में थी। ये कीर्तन स्मरण और जो करता है वो किसी हालत में ठाकुर जी में परम विश्वास, निस्संदेह, ये निस्संदेह प्रहलाद जी महाराज का बहुत ऊंची वस्तु थी। और राजन, आंखों में स्थान मत दो। पुत्र की ऐसी बातें सुनकर हिरण्यकश्यपु और क्रोधित हो गया और उसने अपनी गोद से उसे फेंक दिया।
बाप ने बेटे को फेंक दिया, से सेवकों को आज्ञा दी कि जाओ इन्हें अग्नि में जलाओ, इसको मारो, मारे जाने योग्य मेरे शत्रु का नाम लेता। प्रहलाद की दृष्टि दिव्य थी, जहां जाते थे जिसमें उनको ठाकुर ही ठाकुर दिखाई पड़ता था, कहां देखो वहां तू ही तू है, तू ही तू ही तू। अच्छा फिर गाने लग जाऊंगी किंतु नहीं, मैं जब गाने लग जाती तो आगे घड़ी दिखती है ना, सभी को भगवत भाव से देखना शुरू कर दिया। जगत के काम करते हुए ईश्वर से संबंध बनाए रखे, बालक की अपेक्षा बाल कृष्ण लाल में संलग्न रहे। हिरण्यकश्यपु के मन में अहंकार इतना ज्यादा था कि उसको कुछ भी स्वयं के सिवाय दिखाई नहीं पड़ता था, और प्रहलाद जी के नेत्रों में इतने परमात्मा का वास था कि वो जहां देखते थे वहां के वहां, वहां के वहां उन्हें ठाकुर जी दिखाई पड़ते थे। आसक्ति ही भक्ति है, देखिए आसक्ति ही भक्ति है। एक खुद से आसक्ति करे, एक विषयों से आसक्ति करे, एक भगवान से आसक्ति करे। भगवान से आसक्ति भगवान को प्रिय है। दो एक जगह दो जने फूल खरीदने के लिए गए, वेणी खरीदने के लिए। एक गया अपनी प्रेमिका के लिए फूल खरीदने, एक गया था अपने ठाकुर जी के लिए फूल खरीदने। जो ठाकुर जी के लिए खरीदने गया था वो गरीब आदमी था, उसके मन में था मेरे परमात्मा को श्रृंगार करूं, लेकिन वो जितने रुपए देता वो उससे ज्यादा रुपए बोलने लग गया था। तब उसके कम रुपए होने के लिए उसने कहा मेरा सब कुछ बेच दूंगा, लेकिन ये फूल आज मैं ही कमल का फूल खरीदूंगा। जो ही उसने कमल का रूप ठाकुर जी के लिए खरीदना चाहा, उस आदमी ने देखा कि इतना सब कुछ दे के मुझे कमल का फूल खरीद देता है। भगवान ने उसको ऐसी आंखें दी कि वो कमल का फूल उसने कहा भगवान के लिए खरीदना चाहो, बिना पैसे के आप ले लीजिए। भगवान के लिए खरीदने की आसक्ति, ये ममता भगवान देख लेता है। देखते प्रहलाद जी को पीटने लगे, और जितना उसको उनको सहन करना पड़ा, आगे मैं प्रहलाद जी की बहुत सहन करने की बात नहीं बताऊंगी, कितना कष्ट सहन करना पड़ा। भक्त को बहुत कष्ट सहन कराते हैं ठाकुर जी। कारावास में भेज दिया, जेल में रख दिया, रोटी बंद कर दी। प्रहलाद जी तो भी निशंक, हर जगह श्री हरि श्री हरि, हरि शरणम हरि शरणम, सिवाय हरि के उनको दिखाई नहीं पड़ता था। एक बार वापिस जब उनको भगवान ने आके रोटी खिलाई, लक्ष्मी जी से कहा मेरा भक्त भूखा है, चलो उन्हें रोटी खिला के आते हैं। उन्होंने उनकी माता का रूप लेकर के उन्हें रोटी खिलाने के लिए लेके गए। बोले माँ तुम सोई नहीं, मुझे अभी आके रोटी खिला रही हो। बोले बेटा लाल भूखा रहे तो माँ को कहीं नींद आती है क्या, तू रोटी खा ले मैं चली जाऊँगी। आपको पिताजी का डर नहीं लगता? बोले नहीं, लाल को डर नहीं लगता तो मुझे कैसे लग सकता है, देखिए ऐसी माँ। और उसने खा करके और खिला करके आ पड़ी, रात को देख ली, आ गई सवेरे सवेरे, देखा इससे तो ये ठीक नहीं होंगे, जेल में से निकाला और कहा पहाड़ पर से नीचे गिराओ। पहाड़ पर से नीचे गिराया तो भी नहीं, तो भी कुछ हुआ नहीं, नीचे से ठाकुर जी ने ले लिया। बोले किसी से जलता नहीं, सर्पदंश से मरता नहीं। तब होली का नाम की उनकी बहन थी, बहन को ये वरदान मिला हुआ था कि वो अग्नि में बैठेगी तो जलेगी नहीं, तो कहा कि तुम इसको लेकर के बैठो और ये जल जाए। कितना दुश्मन अहंकार हो जाता, खुद का पुत्र, खुद के पुत्र को अहंकारी को कुछ दिखाई नहीं पड़ता, क्या जोर का अहंकार उसके पास था। उसके पहले वो जब होली का लेकर के बैठी तो चारों तरफ अग्नि ही अग्नि हो गई, और अग्नि ही अग्नि होते हुए और कृष्ण उसी समय प्रहलाद जी ने कहा हरी शरणम हरी शरणम, जो प्रहलाद जी बोलते जाए हरी शरणम हरी हरी शरणम 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 हरि बोल।
हरी हो। और का तो होली का वहाँ पर दहन हो चुकी थी, देखे तो बहन नहीं और स्वयं प्रहलाद जी बाहर भगवान लेकर के बाहर आ गए। एक बार प्रहलाद जी वहां से कहे आगे को जाने लगे एक दिन, तो सब बालक उनके मित्र उनसे मिलने आए। बालकों को उन्होंने शिक्षा दी है। बालकों ने पूछा प्रहलाद तुम जिस भगवान का इतना नाम लेते हो हमें तो दिखाई नहीं पड़ता, हम कैसे उसकी आराधना करें। प्रहलाद जी ने कहा भगवान का ध्यान करते हुए भगवान के कीर्तन करते हुए अगर तुम तन्मय हो जाओगे तो जगत नहीं दिखाई पड़ेगा, तुम्हें परमात्मा ही दिखाई पड़ेंगे। जय जय नारायण नारायण हरि हरि, जय नारायण हरि हरि, जय जय नारायण नारायण हरि हरि, जय जय नारायण नारायण हरि हरि। हरि ओम नमो नारायण, ओम नमो नारायण, हरि ओम नमो नारायण, हरि ओम नमो नारायण, ओम नमो नारायण, हरि ओम नमो नारायण। भगवान कीर्तन करके तन्मयता से कीर्तन कर रहे थे, वापिस दैत्यों के आकर के आए, बोले प्रहलाद तूने कहाँ से सीखा ये तन्मय होना सर? बोले मेरी माँ के गर्भ में मैं था तो उनको नारद जी कथा सुनाते थे तो उनको नींद आ जाती थी, पर मैं जगा हुआ था। तो बोले क्या हुआ? बोले निद्रा देवी को भगवान ने कहा मैं कहाँ जाऊँ, मैं खाली रात में रहती हूँ, दिन में मैं कहाँ जाऊँ। बोले दिन में जा मेरा कथा कीर्तन हो वहाँ आ जाना। तो निद्रा देवी को ये वरदान मिला हुआ है, रामचंद्र जी ने कहा जहाँ कथन। बोले क्यों? बोले जो ध्यान से मेरी कथा नहीं सुनेगा उस पर तू आक्रमण कर लेना, उसके कान में चली जाना। एक बार मीराबाई भी इसी प्रकार कीर्तन कर रही थी, कीर्तन की महिमा एक तो चैतन्य महाप्रभु ने की, दूसरी प्रहलाद जी ने करी है। और बोले अरे मेरे बालकों, मेरे दोस्तों, मेरे मित्रों, ताली बजा बजा करके गाओ। बोले कैसे? बोले ताली बजा बजा के गाओ। नारायण नारायण हरि हरि, जय जय 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 नारायण ताली बजा के कीर्तन करो। बोले क्यों भैया? बोले जो ताली बजा के कीर्तन नहीं करते तो भगवान कहते मैंने इसको इनको बेकार ही दो हाथ दिए, तो हाथ से ताली बजा करके मेरे से कीर्तन नहीं, मेरा नाम नहीं ले सकता, तो आगे से इसको चार पैर वाला बना दूंगा। भैया जय जय हरि ओम नमो नारायण, ओम नमो नारायण, हरि ओम नमो नारायण, हरि ओम नमो प्रेम से कीर्तन करें भगवान को प्रसन्न करने के लिए। अभी कीर्तन खूब करते पर घड़ी भाग रही है, कथा में कीर्तन होना ही चाहिए, कीर्तन के बिना कथा परिपूर्ण नहीं होती, कीर्तन से पाप जलते, हृदय भी शुद्ध होता है, मन तो श्री कृष्ण में जा लगा लेकिन कहीं पर नहीं फंसा, आगे जा जा करके संकीर्तन से पागल होकर नाचने हिरण्यकश्यप स्वयं नमो नारायण। Hey.
वही कीर्तन कर ले। हिरण्यकश्यप ने कहा बात क्या, जिसको भेजते हैं वही कीर्तन कर रहा है, जिसको भेजते हैं वही कीर्तन कर रहा है। तो शंडामर्क ने पकड़ना चाहा, शंडामर्क ने जो प्रहलाद जी को पकड़ा और पकड़े करने लग गया। जय जय नारायण नारायण हरि हरि, जय नारायण नारायण हरि हरि, जय 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 जय नारायण नारायण। राजा ने आगे दूसरे सेवक को भेजना शुरू किया, जिसको भेजे वो छुए। देखिए एक बात बहुत सुंदर बोलते, बोले आप कहते राधा रानी कृष्ण का सब चीज चिन्मय होती है। हाँ चिन्मय होती है, एक पानी के तालाब में एक करंट का भरा अगर आप एक वायर डाल दो पूरा पानी करंट से भर जाता है, भरता है कि नहीं। आप उस पानी को कहीं से हाथ लगाइए वो पानी करंट से भरा होता है। तो क्या चिन्मय कृष्ण नाम में उससे भी कम शक्ति है कि जो प्रेम से कृष्ण नाम ले रहा हो उसको हाथ लगाते ही उसको भी करंट लग जाता है। हरि ओम नमो नारायण, ओम नमो नारायण, हरि ओम नमो नारायण, हरि ओम नमो नारायण, ओम नमो नारायण, हरि ओम नमो नारायण, जय जय नारायण नारायण हरि हरि, जय जय नारायण नारायण हरि हरि, जय जय नारायण। राजा सेवक भेजता गया, जो जावे वो ही कीर्तन करके नाच रहा है, जिसको देखे वो नाच रहा है, जो देखे वो खड़े होकर नाच रहा है। राजा ने कहा बात क्या है, राजा सेवक भेजता गया, आग बबूला हो गया कि क्या हो गया है सबको। उसने उन नाचने वालों को हाथ करके नीचे बैठाया, पर भैया बिजली के चालू बल्ब को हाथ लगाओगे तो खुद ही मरोगे। उसने पटक छोड़ कर दिया, भजन कीर्तन रुक दिया। गुरुजी ने सारी बात बताई तो क्रोधित होकर प्रहलाद से कहना, तू मेरे शत्रु का कीर्तन करा रहा है, प्रहलाद आज तुझे मैं जिंदा नहीं छोड़ूंगा, जगत में मेरे सिवाय कोई ईश्वर है ही नहीं, ये न खुद सुधरता और सारे लोगों को बिगाड़ कर रख दिया। प्रहलाद ने पिताजी को प्रणाम किया, कहा पिताजी आप शांत हो जाइए। बोले तू बता कि तू कहा मेरा मानेगा कि नहीं मानेगा। बोले कैसे मानू, बता तेरा रक्षक विष्णु है कहां। बोले कहां नहीं है, कहां नहीं है, बता तेरा प्रहलाद का पिताजी, मेरे भगवान तो सर्वत्र है। कैसो खेल रचो मेरे दाता, जित देखूं तित तू ही तू, कैसो खेल रचो मेरे दाता, जित देखूं तित तू ही तू, कैसी धूल जगत में दारी, साबित करनी कर रहे तू। जब ऐसा कहने लगा बोले चुप कर, जोर से हिरण्यकश्यप ने उसको चुप कर दिया। बोले तू बातें मत कर, तू मेरे को बता कि तेरा रक्षक है कहाँ। तू कहता है ना हरि मेरा रक्षक है, पिताजी आप शांत हैं कि आप वीर हैं, पर जिसने अपने आंतरिक शत्रुओं को पराजित किया वही वीर है, आप अपने आंतरिक शत्रुओं को पराजित नहीं कर सके हैं। काम क्रोधादि क्षय चोर आपके मन में अभी तक है और उसके ऊपर का चोर अहंकार है। हिरण्यकश्यप को और क्रोध आया, अभिमान और कुछ नहीं कर सकता, अभिमानी क्या करता है केवल क्रोध। जिसका अहंकार को और आप थप्पड़ मारो और वो क्रोधित होगा, जितना अहंकार का तू ऐसा है तू ऐसा, तेरा बाप चोर तेरा वो चोर, और जोर से हो जाता है। उसको इतना जोर से आया, मेरा पुत्र होकर मुझे उपदेश दे रहा है, कहाँ है तेरा रक्षक विष्णु। तू कह रहा है जहाँ है तेरा रक्षक विष्णु है, प्रभु जी जित देखूं तित तू ही तू, मेरा प्रभु तो सर्व व्यापक है, वो मुझ में है, आप में है, इसमें है, उसमें है, आप में है, तभी तो आप बोल पा रहे हैं। हिरण्यकश्यप ने फाइनल बताया, हे अगर तेरे भगवान यदि सर्वत्र है तो फिर क्या इस स्तंभ में भी इसका दर्शन कर सकते हैं, इस खंभे में भी है, क्वासो यदि से सर्वत्र, तस्मात् स्तंभे न दृश्यते, तस्मात् स्तंभे न दृश्यते, क्या तेरे भगवान तेरे स्तंभ में भी है। प्रहलाद जी ने कहा हाँ इसमें भी है। अब प्रहलाद जी कह तो रहे हैं, स्तंभ में चालू, प्रहलाद जी कह तो रहे हैं स्तंभ में है, लेकिन उनको ऐसा लगा
कि एक बार कान दे के सुन लू, मैं कह तो दिया। एक आध में क्या होता है, अपन किसी के लिए कहते थोड़ा मन में आ जाता है कि नहीं। उन्होंने कहा, स्तंभ पर कान लगाया, ऐसी आवाज आने लग गई, ध्वनि आई, प्रहलाद जी को विश्वास हो है तो सही स्तंभ में। उन्होंने उस स्तंभ का आलिंगन किया, अंदर नरसिंह भगवान विराजमान थे। उन्होंने प्रहलाद को आश्वस्त किया और बार बार वो गुर गुर की आवाज करने लगी। इधर हाथ में तलवार लेकर हिरण्यकश्यप को दौड़ता हुआ आया और चिल्लाने लगा, बता तेरा विष्णु कहाँ है, तो इसी स्तंभ में विराजमान। हिरण्यकश्यप ने क्रोधावेश में उस स्तंभ पर तलवार का प्रहार किया। ने और तुरंत उठा करके एक सेकंड की नरसिंह भगवान की जय, और ऐसे जोर जोर से सिंह की तरह आवाज करने लगे और बोले, न रात, हिरण्यकश्यप को गोद में ले लिया और कहा कि न रात है न दिन है, न धरती है न आकाश है, घर में नहीं है बाहर नहीं है, किंतु तुझे आज दहले पर मारूंगा मैं। और देख, अस्त्र शस्त्र कुछ नहीं है मेरे हाथ में, मैं नाखून से तुझे मारूंगा। और भगवान ने अपने उस असुर को नाखून से चीर कर मार डाला। बोलो नरसिंह भगवान, मनुष्य के दुख का कारण देहाभिमान है। जो ही उनको मारा, सारी देवता देवी देवता चालू को सारी देवी देवता वहां पे पुष्प, ओम नमो नारायण, सारी देवी देवता वहां पर आकर के और स्तुति करने लगे, पुष्पों की वर्षा कर रही। ओम नमो नारायण, ओम नमो नारायण, ओम नमो नारायण। ऐसे लग रहा था कि नरसिंह भगवान स्वयं नहीं प्रकट हुए हैं, हमारे इष्ट सबको अपने अपने ऐसे दिख रहे थे कि हमारे इष्ट प्रकट हो गए हैं। और वो नरसिंह भगवान की जोर जोर से केवल और तो स्तुति नहीं, क्योंकि इतने क्रोधित थे कि किसी की हिम्मत नहीं थी कि भगवान के सामने जा सके। तो उसके सामने जा करके और सब हाथ जोड़ करके खड़े हो करके और जोर जोर से कीर्तन, हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण